निमित्त फंक्शन कैसे लिखेगा, कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें संयुक्त आशन कैसे आपको समझ में आया है, आया है। अब ये कैसे है देखो, ये आप किताब में देखो, मक्का, बच्चा, लट्टू, हड्डी, पत्ता, गद्दा, गन्ना, चप्पल, डिब्बा, अम्मा, बिल्ली, रस्सी, ये है ना द्वितीयाक्षर। द्वितीयाक्षर में देखिए एक जैसा दो अक्षर मिलकर हम जोड़कर एक शब्द लिख सकते हैं। पहला अक्षर छोड़कर देखिए दो अक्षर एक जैसा ही है, पहला अक्षर भी आधा अक्षर एक जैसा है, पूर्ण अक्षर भी एक जैसा है, इसे द्वितीयाक्षर कहते हैं हम। जैसे ये देखिए, ये सब एक्सरसाइज आप सब एक लिख कर सीखना है। देखिए ये छोड़कर देखिए ये सब है, आप देखिए देखिए ये सब चक्का मक्का बच्चा बालक, देखिए ऐसे लिखना चाहिए। देखिए अब देखिए ऐसे ही देखिए ये संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर पर देखिए मक्खा मक्खी, देखिए ये जैसा दो अक्षर लिखी है, पहला आधा अक्षर भी अलग है और दूसरा अक्षर भी अलग है, इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखिए पढ़ते समय भी हम अलग जैसा पढ़ते हैं, मक्खी, देखिए डॉक्टर, मच्छर, देखिए हम पढ़ने का अग्नि, गंठी, ग्यारह, अश्व, पुष्प, बस्ता, देखिए आपको ये समझ में आया संयुक्त अक्षर क्या होता है। संयुक्त अक्षर में अलग जैसे प्याला, पत्थर, बंधर, स्वागत, त्वा, त्वचा, घट्ठा, वृक्ष, पत्र, यज्ञ, ज्ञानी, श्रमिक, श्रवण, देखिए ऐसा था आप संयुक्त अक्षर में सीख सकते हैं। जोड़ अक्षर में एक जैसा एक ही शब्द, एक जैसा दो अक्षर जोड़कर लिखने से हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर में अलग अक्षर जोड़कर हम शब्द रचना करते हैं। आपको समझ में आया, घर में जाकर बार बार पढ़ो, आपको बार बार लिखो, अलग अलग शब्दों का रचना करते करते आपको शब्द भंडार ज्यादा हो सकता है। आगे क्लास में हम रा के विभिन्न रूप का लेकर आएंगे। चलो थैंक यू।